ट्रिप हम लोग प्लान कर रहे हैं अपन लोगों का ना रूम। विवेक भाई का फोन आ गया कि वो नीचे भाई देख तुझे मैंने यहाँ पे नौ दुबई में चल रहा है 46 डिग्री सेल्सियस। मुंह पे ऐसे थपेड़े पड़ रहे ना भाई हवा के। पूरी चीज बता दो, पहले तो आप ये चेक करो भाई, जो कपड़े मैं बोला था कि मैं पहनने वाला हूँ, आई वॉज बीन वेटिंग फॉर, ये है वो कपड़े भाई। लग रहा हूँ ना कूल डूड टाइप का, पता नहीं यार आपको कैसा लग रहा होगा, बट लेकिन फॉर मी आई एम लुकिंग नाइस, आई एम सो एक्साइटेड टू वेयर दिस कपड़े। और हाँ, कल का स्टोरी, टैक्सी में था, गया, मिला विवेक भाई के यहाँ, अभी बंदे अपने ही थे, आ रखे थे, बातचीत चल रही थी, और उस चीज़ में वहाँ पे मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि भाई बहुत ही मतलब एक ट्रिप आने वाली है अपन दोस्तों लोगों की, अपने पुराने ग्रुप की एक ट्रिप हम लोग प्लान कर रहे हैं, और वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। एक उसकी गुड न्यूज़ देता हूँ भाई, अपन लोगों का ना रूम्स भी बुक हो गए, और रूम्स अपनी आईडी से बुक किए तुम्हारे भाई ने, इसलिए भाई पूरा बोला है, रूम्स भी बुक हो रखे हैं, प्लान हो गया है, कौन कौन जा रहा है ये भी प्लान हो गया है, कैसे जा रहे हैं सब कुछ हो गया। जैसा भी होगा आप लोगों को व्लॉग में देखने को मिलेगा। आवाज़ सुनी, ये आवाज़ ठीक नहीं होके दे दिया भाई, इसमें कितना मेहनत कर ली फिर भी आवाज़ ठीक क्यों नहीं हो रही, या तो बेड चेंज कराना पड़ेगा या तो कंपनी होटल ही छोड़ना पड़ेगा भाई। तो फिलहाल क्या हो गया कि ऐसे ऐसे ट्रिप का पूरा प्लान हो गया है, ट्रिप का अपन लोगों ने सोच लिया है कि कैसे कैसे जाना है, क्या करना है, सब कुछ हो गया यार। इसी चक्कर से मैंने वहाँ पे ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत सारे लोग साथ में बैठे हुए थे, और यू नो व्लॉग कैसे होते हैं, व्लॉग एकदम होते हैं रॉ। और मेरे तो डेली व्लॉग्स तो नहीं हो रहे कंटिन्यू, बट लेकिन मतलब और व्लॉग्स की तरह इतने वो नहीं, मेरे व्लॉग्स रहते हैं सिंपल और रॉ, कि मैं अगर जो भी मेरी पब्लिक है उसको एक रॉ चीज़ें डिलीवर हूँ, तो किसी के भी मुंह से कुछ निकल गया या कुछ बात बोल दी, वैसे ये चीज़ें एडिट वगैरह हो जाती हैं, बट लेकिन फिर भी यू नो मैं नहीं चाहता था कोई भी ऐसी चीज़ बात बाहर निकले। तो वहीं पे ख़त्म किया, और हुआ क्या, अगले दिन मेरी ड्यूटी थी, नॉर्मली मैं नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी आज भी इवनिंग ही थी, बट वो मेरी इवनिंग की जो ड्यूटी है वो चेंज हुई। फ़ोन किया तो माई मैनेजर सेड दैट देयर इज अ LDA। अब जिन लोगों को नहीं पता, मतलब जो रहते हैं उनको तो पता है, बट लेकिन LDA मतलब जो हमारे PHS वगैरह दुबई में, जो हमारे PHS वगैरह होते हैं, वो जैसे PH के दिन पब्लिक होलीडे हम काम करते हैं, तो वो हमारे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, हम आगे ले सकते हैं। तो ही सेट टू गिव मी, एंड आपको पता है हम तो हैं धान दादा भी और लेन दादा भी, तो हम सब अंतर्यामी है ना, तो हमने बोला दे दो, हमने ले लिए, उन्होंने बोला ले लो। तो आज भी कल भी वैसे विवेक भाई मुझे बोल भी रहा था कि भाई सो जा इधर ही कमरे में ही सो जा, हम लोग आराम से सो सकते हैं, बट लेकिन मैंने फिर भी मना कर दिया, बोला नहीं यार मुझे कल जाना, क्योंकि मुझे जाना था, और अभी पता लगा मेरी आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, नेक्स्ट वीक की परसों भी छुट्टी है। तो फिर मैंने क्या प्लान किया, मैंने बोला यार अगर ये बात मैं विवेक भाई को नहीं बताऊंगा तो उन्हें ना भाई नाराज़ ज़रूर होना है, वैसे वो ऑलरेडी नाराज़ है क्योंकि मेरे अगले हफ्ते का जो प्लान था वो कैंसिल हो रहा है, बट लेकिन अगर ये बात उनको नहीं बताता तो वो डेफिनेटली नाराज़ होते, और आपसे जा रहे में भाईचारे में ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तो इसीलिए मैंने भाई को बोला भाई ऐसा ऐसा, भाई ने बोला भाई तू होटल पहुँच अपने, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ अपनी गाड़ी में, तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और होटल से लेने जा रहा हूँ, मतलब होटल जा रहा हूँ, होटल में विवेक भाई मुझे लेने आएंगे। और फिलहाल ये कपड़े मस्त लग रहा हूँ ना यार, एक नंबर। तो फिलहाल यार यहाँ से निकलता हूँ और मिलता हूँ आपको रास्ते में। A few moments later. So guess what guys, अभी मैं निकल रहा था, बट हुआ क्या, विवेक भाई का मुझे he just called me up and he said just send me the location, I am coming to pick you up, so now I am not going to the hotel. वो यहीं आ रहे हैं मुझे पिक करने के लिए, तो या अब इधर से ही जाऊँगा यार। गैस विवेक भाई का फ़ोन आ गया कि वो नीचे आ गए, मतलब ऑलमोस्ट ये बाहर पे ही है, तो यार मैं जाता हूँ और मिलते हैं विवेक भाई से, क्योंकि ऐसे रूम पे रहूँगा तो मतलब वो भी यहाँ पे आए हों पहले भी, बट लेकिन फिर भी होता है ना थोड़ा जगह का, तो जाता हूँ नीचे यार, मिलता हूँ मैं आप लोगों से नीचे। ओके जमाना है, पकाए तो दूजे न।
केयर ज्यादा गुस्सा थोड़ा बहुत तो जायज है। सजना मिल मुझको सताना तेरा समझ लाओ तेरी लगन बिगाड़ा मेरा गाइस गुड मॉर्निंग। फिलहाल यार अभी तो जस्ट सो के उठा हूँ और आप सोच रहे होंगे कि मैं हाथ में क्या लगा रहा हूँ। एक्चुअली यार मेरी परसों छुट्टी थी जैसे, और छुट्टी के बाद सडनली मुझे एलडीज मिल गई थी अपनी, और टुडे इज मंडे। एक्चुअली आज मेरी ड्यूटी है और आज भी मेरी छुट्टी है नेक्स्ट वीक की, तो टोटल तीन चार छुट्टी होगी थी। तीन चार दिन से बाहर ही था, बाहर सलून वगैरह कुछ जाने का टाइम नहीं मिला कि मुझे सलून जाना है। अगर बाहर देखो ना इतनी गंदी वाली गर्मी, मतलब आई कॉन्ट इवन ओपन द कर्टन्स ऑफ माई विंडो। तो थोड़ा लोशन लगा रहा हूँ, सनस्क्रीन लगा रहा हूँ ताकि बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। आई डोंट वॉन्ट इरीटेशन। और मुझे पहले इस चीज़ में इतना भरोसा नहीं था, लेकिन परसों से मैंने क्या नोटिस किया कि मेरे जो हाथ में ना अजीब अजीब से निशान पड़ता है, आई थिंक बिकॉज ऑफ धूप ही पड़ रहे हैं यार। तो बस अभी जस्ट लोशन वगैरह लगा लिया है, और एक बार ज़रा बाहर का सीन देखो कितनी गंदी वाली धूप है ना। और इसीलिए फिलहाल मैंने अभी क्या कर रखा है, मैंने अभी पहन रखी है कैप, क्योंकि धूप एकदम से ना लगे, चेहरे को भी टच ना करे, सर को भी हिट ना करे, है ना, क्योंकि बाहर जाके ना यार फिर अजीब सा हो जाता है। और फिलहाल जब मैं सो के उठा हूँ तो रेडी शेडी हुआ, सलून जाता हूँ, कट कराता हूँ। यार ये ब्लॉग भी अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, मुझे निकलना था यार वहाँ थोड़ा बियर्ड वगैरह सेट करवाने, पर ये व्लॉग अपलोड में डाला, व्लॉग अभी तक अपलोड ही नहीं हुआ। 5 मिनट पता नहीं क्यों इंटरनेट की स्पीड थोड़ा कम आ रही है, सिर्फ 5% रह रखा है, पर वो 5% भी बहुत स्लो स्लो हो रहा है, पता नहीं क्या सीन हो गया। तो गाइस फाइनली वीडियो भी हो गई है मेरी अपलोड, और एक बार यार रूम में ढंग से चेक कर लेता, अपने ढंग से लॉक किया कि नहीं किया, रूम भी लॉक कर दिया क्योंकि मैं थोड़ी देर बाहर ही बैठ गया था, वीडियो ही नहीं अपलोड किया, पता नहीं नेट को पता नहीं क्या हो गया था मैं। तो यार चलो वीडियो की अपलोड, अब चलता हूँ यार थोड़ा बाहर बाहर, तो क्योंकि मुझे पता है कि बाहर का सीन होता है बहुत गंदा। शिट यार मुझे चप्पल चेंज करनी पड़ेगी, रूम पे आया था गैस चप्पल चेंज करने फिर से यार, क्योंकि मैंने ना गलती से क्या करा, वॉशरूम वाली चप्पल पहन के घूम रहा था, वो तो मुझे नीचे जाके ले लाया था, ये चप्पल इतनी ढीली ढीली सी क्यों फील हो रही है। तो फिलहाल का सीन गाइस बाहर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है गर्म, जैसे कि धूप चमक रही है बहुत ही ज़्यादा। देखो बाहर बहुत ही गंदी हो रही धूप हो रही है, पता नहीं क्या सीन होगा बाहर का। ओहो दिख रहा है कैसी धूप हो रही, कैसे मुंह पे पड़ रही है सीन। देखो जस्ट धूप में आ रही है, ऐसी खुजली से होने लगी शरीर में, ये देखो धूप। डायरेक्ट मैं आपको सलून में मिलता हूँ यार। भाई देख तुझे मैंने यहाँ पे नॉमिनेट रखा है, ठीक है कुछ भी होगा तुझे मिलेगा। फिलहाल का इस गोल्ड का जो काम करने आया था मैं वो काम पे निपटा लिया है, फिलहाल गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है बाहर सच। आज मैं पता है कितने टाइम बाद कटिंग करा रहा हूँ, कम से कम ऐसे पूरी पूरी कटिंग बहुत समय बाद, नहीं तो हर समय साइड से टचअप कराता हूँ, तुम्हें तो पता ही है, तुम इसे तो कराते हैं काम। फिलहाल मैं मॉल की तरफ आया था, मुझे थोड़ा डियो लेना था अपना। यार कौन से सेक्शन में है, एक तो वो डियो ना इजीली मिलता नहीं है, वो बॉडी रोल ऑन जो होता है, डियो नहीं मतलब बॉडी रोल ऑन यार। हाँ ये रहा, ये वाला लगाता हूँ मैं यार। चलो चलते हैं रूम पे। गाइस जस्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द रूम, अपने कमरे की तरफ जा रहा हूँ। मेरे फेशियल एक्सप्रेशन देख के लग रहा होगा कि मैंने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है। गाइस टेम्परेचर अभी बताओ ना, दुबई में चल रहा है 46 डिग्री सेल्सियस, मुंह पे ऐसे थपेड़े पड़ रहे ना भाई हवा के, पूछो मत। और फिलहाल ये खाना भी पैक करवा लिया है, खाना पैक करवा के रूम की तरफ जा रहा हूँ यार। एक्चुअली बगल में ही मेरी बिल्डिंग भी है ना, जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके बगल में मेरा सलून भी है और मॉल भी लगता हुआ है, तो
बिल्डिंग से चिपकता हुआ जा रहा हूँ मैं अभी भाई, कि थोड़ी थोड़ी छाया तो पड़े, तो बाकी धूप मुंह पे ऐसे पड़ रहे हैं ना भाई, तो पूछो मत भाई। मतलब दुबई में एक्चुअल वाली गर्मी ना, एक्चुअल वाली गर्मी जो बड़े वो स्टार्ट हो गई है, एक्चुअल वाली। अभी बाहर आके एक चीज़ ने रियलाइज हो रही है, फिलहाल रूम पे जाता हूँ या रूम पे जाके मिलता हूँ आप लोगों से। और जस्ट रूम के अंदर घुसा हूँ, और पहले तो यार जो मैं खाना पैक कराने के लिए गया था, मैं पहले कोल्ड ड्रिंक निकाल के अपने फ्रीजर में रख देता हूँ यार, कोल्ड ड्रिंक। और जो बुरा हाल था तो आप लोगों ने देख ही लिया। एसी भाई, यहाँ पर आके जो सुकून मिल रहा है ना अभी एसी के नीचे, और आंखों के सामने ना मेरे एकदम से अंधेरा छा रहा था, और पता नहीं मैं तो जस्ट व्लॉग शूट कर रहा था, आई डोंट नो व्लॉग में क्या शूट हुआ क्या शूट नहीं हुआ, बिकॉज धूप की वजह से मैं कैमरे पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था, ना ही स्क्रीन में दिख रहा था कि क्या शूट हो रहा है क्या शूट नहीं हो रहा है। फिलहाल धूप से जस्ट आया हूँ, तो अभी थोड़ा अपने आपको पहले कूल डाउन करता हूँ, रूम क्लीन करना है, बहुत ही ज़्यादा गंदा होगा, पिछले दो हफ्ते हैं उससे भी ज़्यादा रूम क्लीन नहीं हुआ, कपड़ों का कलर चेंज हो गया भाई, इतने गंदे हो रखे हैं, धुलने के लिए रखे हुए धुले नहीं है, ये सब धुलना है, रूम चमकाना है आज, ये मेन काम है। दूसरी बात, बाहर भी जाना है। सौरभ गरीब का मुझे मैसेज आ गया ऑलरेडी, अभी देखा मैंने उसका नोटिफिकेशन, आई नॉट गोना रिप्लाई हिम नाउ बिकॉज फर्स्ट आई वॉन्ट टू बी रिलैक्स। अभी तो पहले तो यार मैं 10 मिनट का मैं रिलैक्स लेता हूँ, उसके बाद रूम वगैरह क्लीन करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ यार। इन मशीनों ने ना भाई, इन मशीनों ने अभी ना कान फोड़ रखे थे, कान फोड़ रखे थे मतलब दबा के, क्योंकि वहाँ से आया था, रूम वगैरह सेट किया, और एक बात बताऊँ, आते ही रूम पे आते ही मुझे पड़ी नींद, वो भी गंदी वाली बोल रहा हूँ तो गंदी वाली। मैं कपड़े धुलने डाले, खाना पैक करा के लेके आया था, बिरयानी खा ली, उसके बाद इतनी भूख लगी। रूम देखो, रूम एकदम क्लीन, सारे जो कपड़े कुपड़े थे सब धुल डाल दे तुम्हारे भाई ने, बेड वगैरह सेट किया था, ये बेड की हालत ऐसी नहीं थी, अच्छे से फूक अपना डुए कवर कंफर्टर सब कुछ धो धा के ड्राई करके लगाया था। मैं थोड़ा सा झपकी मार ही लेता हूँ, राय खा के नींद से आ रही थी, लेटा भाई मैं आउट ही हो गया, मैं करीबन अभी 4-5 घंटे बाद सो के उठ रहा हूँ, 4-5 घंटे से 3 घंटे मतलब आप लोग मैं सोया हूँ, रूम एकदम चकाचक, वॉशरूम एकदम चकाचक। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे वॉशिंग मशीन मेरे ड्रायर से कान मदद, क्योंकि मतलब 1.5 हफ्ते तक के कपड़े थे मेरे पास, वो आजकल मैं जिम नहीं जा रहा हूँ तो कपड़े इतने धुलने के लिए हैं नहीं, बट लेकिन जो भी था, वाइट कपड़े अलग धुलता हूँ, फिर अदर कपड़े अलग होते हैं, फिर अपने मतलब समझ सकते हो कि वाइट कपड़े में निशान पड़ जाता है, उस चक्कर में। बाकी फिलहाल रूम तो एकदम सेफ हो गया, और कुछ नहीं यार। यार ये आवाज़ पता नहीं कब जाएगी, आवाज़ इतनी लगती नहीं है कान में, बट लेकिन जब व्लॉग में आता ना ये आवाज़ बहुत लगती है। लोग अच्छे से तय मारने, पूरा वार्डरोब बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है, और कुछ नहीं यार। और बाकी आप लोगों ने यार व्लॉग तो देखा ही, देखो मज़ा आ ही रहा होगा। फिलहाल ये देखो, ये चेक करो कितना प्यारा लग रहा है ना मेरा। वैसे ना जो ये वाला किचन था एक जॉर्जिया वाला, इसका ये भी ये पैंडल लॉक टूट गया था, इसके बाद अब मैंने ये लगा दिया, स्पेशली मैंने क्या ये कैथी नहीं लगाया था, लाए थे, कितना प्यारा लग रहा है ना, क्यूट सा लग रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ थोड़ा गर्ली टाइप का तो नहीं लग रहा है, बट चलो ठीक है जैसा भी है, बट मुझे भी अच्छा लग रहा है, बट ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा गर्ली तो नहीं हो गया, बट चलो जैसा भी है ऐसा ही लग रहा है। फिलहाल ना आज का ये चेक करो, मुझे ना आज की जो कटिंग है ना, मैंने एकदम बाल छोटे छोटे करा लिए, गंजी खोपड़ी को और भी गंजा करने के लिए, बाल एकदम साइड से छोटे छोटे, बहुत पुराना लुक था मेरा, मतलब जो मैं पहले रखता था, फिर मैंने बोला भाई तुमने बाल ना साइड से छोटे छोटे कर दिए, एकदम साइड से ट्रिम कर दिए, बीच में जो मेरे बाल रहते थे वो थोड़े रखते हैं, साइड से ना एकदम ट्रिम करवा दिए और नॉर्मल बाल रखे हैं। और फिलहाल बियर्ड देखो शेप, मतलब स्लोप दे रखा है यहाँ से, एकदम अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे थोड़ा अलग सा लग रहा है ये वाला लुक, पहले जैसा जैसे मैं पहले रखता था वो लुक को वापस ला के रखा बहुत समय बाद, थोड़ा अलग सा भी लग रहा है। चलो मैं मतलब हमेशा से वो घने घने बाल, ऐसे घने घने झुलफे वाले बाल, मतलब पीछे से भी बहुत घने घने बाल अच्छे नहीं लग रहे थे, मैं थोड़ा इनोवेशन करते हैं अपने बालों में, थोड़ा चेंजेस करते हैं, तो ऐसे थोड़ा चेहरे पे भी थोड़ा चेंजेस किया। सो फिलहाल करते हैं इस ब्लॉग को ये पे
एंड अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो ब्लॉग को थोड़ा प्यार देना अपना, और चैनल को मैं अपना प्यार देना यार. तो मिलते हैं किसी वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, और बच्चों को प्यार. बाय बाय. RSDJ.